नीड्स की बरसात होती है, ये नीड शायद से जो काम है वो कर सकती है, बट नो, एक और पिक्सेल एचपी, एक फ्री फायर यहाँ पे सब कुछ खत्म कर सकती है। मोलोटॉप जरूर से जाएगा एंड उसी के साथ शायद से वैक्सी यहाँ पे बचने का जो चांस है वो मुझे और कम होता हुआ देखने मेरा प्लेयर टू की नजरें पूरी तरीके से राइट हैंड साइड में मौजूद रहने वाली, बट वैक्सी इसी स्मोक के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, ये शायद उनको पता नहीं है। फ्री फायर जाएगा, डैमेज किया जाएगा वैक्सी को, टेक डाउन करते हुए शायद से देखने में रीलोड पे जाएगा गन वैक्सी को यहाँ पे टेक डाउन करते हुए, और ड्रॉ के इस मैच से हो जाते हैं बार। अभी टीम सोल पहला फिनिश पॉइंट जरूर से सिक्योर कर जाएगा, दूसरा जो नॉकआउट था वो शायद से स्टील किया गया, बट ग्लोबली स्पॉट किया गया हुए यूएमपी का इस्तेमाल करते हुए इस मौके पर पूरा जो एक अच्छा उपयोग है वो टीम सोल के प्लेयर जरूर से करने वाले। बस प्लेयर को यहाँ पे देखा जाएगा, स्पॉट किया जाएगा इंस्टेंट यहाँ पे पनिश करते हुए, एक आखिरी प्लेयर जरूर से रहने वाला आइकॉनिक जो रहेंगे वो थोड़े से डिस्टेंस में मौजूद रहेंगे, बट टीम सोल कोशिश करेंगे ये पूरा का पूरा फाइट अपने नाम लेने के लिए। अभी के लिए सारे फिनिशर्स कंप्लीट किया जा रहा है, कैपिटलाइज किया जा रहा है, पलक झपकते ही टीम सोल के पास अभी के लिए 5 फिनिश पॉइंट्स आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल, यहां से एक जीरो फिनिश की पारी देखने को मिल रही थी 2 मिनट पहले तक, और इंस्टेंटली वो 5 फिनिशर्स उनके पास देखने को मिल जा रहा है राइवलरी के ग्लोबली स्पोर्ट्स को बाहर करके। बट इनके करीब एक और खिलाड़ी हमें नजर आए हैं, अगर इन्होंने उन्हें स्पॉट किया है तो उन्हें डाउन भी करना पड़ेगा जल्द से जल्द, वरना दिक्कतें इनके लिए हो जाएंगी, क्योंकि वो खिलाड़ी प्रोन नजर आ रहे हैं और प्रोन प्लेयर के सामने जाना बहुत ज्यादा दिक्कत भरा रह सकता है इनके लिए। एक ग्रेनेड यहां से स्प्रे लेके एक खिलाड़ी को डाउन करेंगे, और वो जो प्लेयर डाउन किए गए हैं उनके टीममेट की तरफ से एक काफी काउंटर स्प्रे आता हुआ नजर आएगा, एक काफी प्रिसाइज काउंटर स्प्रे, और उस प्रिसाइज काउंटर स्प्रे के साथ यहां पर प्लेयर 4 डाउन कर दिए जाएंगे। स्मोक का इस्तेमाल रिवाइव देने की कोशिश चल रही है, 12 प्लेयर्स 5 टीमें नजर आती हुई, और अब यहां से सिर्फ और सिर्फ 4 टीमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि शायद अभी अभी यहां से एसिड का टीम का भी एलिमिनेशन हो चुका है। टीम डेंजर की बात की जाए, एक सोलो प्लेयर टीम डेंजर से अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, और रेवेनेंट की टीम से 2 खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए नजर आते हुए, टॉप डॉग और ऑस्टिन वॉर्टेक्स काफी प्रिसाइज को नेड यहां पर जाता हुआ, और ये नेड डाउन करेगा ऑस्टिन वॉर्टेक्स को। प्लेयर 1 आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहां से मैक्सटॉन 1 को भी स्पॉट कर चुके हैं, उनके ऊपर भी काफी प्रिसाइज प्ले, बट यहां से दूसरी टीम के ऊपर नजर रखा इन्होंने, सामने रहते हुए प्लेयर पर नजरें नहीं डाली, जिस कारण यहां टीम चेंजेस चाहते हो मेरी कास्टिंग के अंदर। आपको कैसा लगा कास्टिंग मेरा, और अच्छा लगा तो जरूर से इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, मेरा इंस्टा लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिवाइन सोशल करके बिल्कुल सबसे नीचे एंड उसके बगल में मेरा इंस्टा लिंक रहेगा। बट वहीं टीम सोल की अगर हम बात कर लें तो चारों के चारों खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं, 3 फिनिशर्स निकाले जा चुके हैं, और यहां से रुकेगी नहीं टीम सोल, यहां से अब पुश करती हुई नजर आएगी ESN के खिलाड़ियों की तरफ, और ESN के प्लेयर्स अब यहां से किस तरीके से सर्वाइव करेंगे ये काफी बड़ा सवाल रहेगा जरूर। वहीं सोल प्लेयर 3 अपने आप को एक अलग एंगल पर रखते हुए, बिल्कुल कंपाउंड के बाहर रखा हुआ था उन्होंने अपने आप को, बट अब अपनी टीम के साथ यहां पर पुश करते हुए जरूर से नजर आ रहे हैं। ESN के खिलाड़ी यहां लगातार निकल रहे हैं, इन कंपाउंड्स को होल्ड करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आउट नंबर्ड है, और आउट नंबर्ड होने का मतलब एक ही है कि आपके लिए खतरा काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। प्लेयर 3 M249 हाथों में लिए, एक मशीन गन हाथों में लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्लेयर 4 ने यहाँ स्पॉट, प्लेयर 2 ने एक्चुअली यहाँ पर स्पॉट जरूर कर लिया है, बट यहाँ डाउन नहीं कर पाए, उन्हें वो मौका नहीं मिला, वो कुछ पलों के लिए कवर से बाहर निकले थे, और जब तक ये खड़े हुए तब तक वो वापस में कवर में जा चुके हैं। बट यहां से इनकी पोजीशन जरूर रिवील हो गई है, और जब पोजीशन का अंदाजा है टीम सोल को तो वो जरूर बैक एंड साइड से पुश करने वाले हैं, और लेट्स सी ये जो पुश है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। सोल प्लेयर 3 M249 के साथ देखने को मिलेंगे, सोल प्लेयर 4 UMP45 के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे, और यहां से एक 1v2 सिचुएशन जरूर से क्रिएट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ESN के एक और खिलाड़ी करीब नजर आ रहे हैं, प्राइम हमें देखने को मिल जाएंगे, बट यहां 4 को डाउन किया जाएगा M249 का स्प्रे, और यहां से ESN के खिलाड़ी डाउन। बट वहीं दूसरे छोर से, दूसरे कॉर्नर से यहां काफी प्रिसाइज स्प्रे आएगा, प्लेयर 1 बचे, एक आखिरी उम्मीद फ्रॉम टीम सोल, ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलेंगे, सोल के एक प्लेयर को फिनिश भी कर जाएंगे। ये मोलोटोव क्या रोक पाएगी ESN के खिलाड़ियों को, रिवाइव देने की कोशिश की जा रही है, यहां से एक प्लेयर जरूर गवाया है इन्होंने, बट इस एक प्लेयर के साथ ये अभी भी इस मैच को कंटिन्यू कर सकते हैं, और
बाकी तीन प्लेयर्स के साथ इस मैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईएसएन के खिलाड़ियों की बात की जाए तो वो अभी भी नॉक नजर आ रहे हैं और उनकी टीम से सिर्फ एक सोलो प्लेयर डेथ नोट के रूप में रहेंगे। और यहां प्लेयर फोर के द्वारा क्या ही जंप शॉट लिया गया है, बहुत ही शानदार छह फिनिशेस टीम सोल निकाल चुकी है और अपने तीन खिलाड़ियों के साथ सर्वाइव करती हुई नजर आ रही है, बहुत ही सीखना चाहती है। तो मैं उन्हें एक जरा सा एक छोटा सा स्नीक पीक दे देता हूं कि आपको पॉइंट टेबल बिल्कुल इस मैच के बाद देखने को मिलेंगे, बट यहां टीम सोल किस पोजीशन पर है अभी पॉइंट टेबल में मैं वो जरूर बता दूं आप सभी को। तो टीम सोल सेकंड पोजीशन पर पहुंच चुके हैं इस ओवरऑल स्टैंडिंग में इस मैच के अंदर। तो एक बार हम नजर लेके चल लेते हैं अपने पॉइंट टेबल की तरफ, हमारी जनता इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो एक बार दिखाई देते हैं पॉइंट टेबल। तो एक बार पॉइंट टेबल की तरफ नजर लेकर चलें तो रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स अभी भी बनी हुई है टॉप के ऊपर विद 211 पॉइंट्स, सेकंड पोजीशन टीम सोल विद 154 पॉइंट्स, टीम डेंजर #creeper 150 पॉइंट्स, 3 पॉइंट का लीड है अभी भी सोल के पास। और लीजिए उस लीड को और बढ़ाने के लिए इन्होंने फाइट्स की शुरुआत कर ली है, फिनिशेस निकालने की शुरुआत कर ली है और यहां से सामने वाली टीमों को दिक्कतों में डालते हुए नजर आ जा रहे हैं। सामने ESN के खिलाड़ी टीम सोल, शुरुआती पारी काफी ज्यादा अच्छी बट अभी के लिए लूट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि यही वो लूट है जो इन्हें मदद करने वाली है। बट यहां से दूसरा फिनिश पॉइंट भी अर्जित कर लिया है टीम सोल ने, दो फिनिशेस उतरते के साथ निकाल चुकी हैं, लूट भी इनके पास डिसेंट नजर आ रही है। बट एक ऑटो राइफल अगर इन्हें मिल जाती, एक SMG भी अगर इन्हें मिल जाती तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहता क्योंकि बर्स्ट एक्शन गन के साथ थोड़ी मुश्किलें तो जरूर फेस करनी पड़ती। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बर्स्ट एक्शन गन क्लोज रेंज में थोड़ा मुश्किल होता है लगातार टैप करना, एक ऑटो राइफल काफी ज्यादा कारगर साबित होगी इन मैचेस के अंदर। और अभी के लिए यहां सोल प्लेयर वन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अपनी लूट कंप्लीट करते हुए, बट वहीं सोल प्लेयर टू यहां डैनियल को डाउन कर जाएंगे। VLT के खिलाड़ी यहां दूसरी छोर पर अपने आप को फाइट की तरफ लेकर आ चुके हैं। हाइड्रा डेंजर टीम मायावी के एडमिशन देखने को मिल रहा है, रेवेनेंट के सोलो प्लेयर को अभी अभी डाउन कर चुके हैं, बट वहीं टीम टॉक्सिक के खिलाड़ी को भी अभी अभी हमने डाउन होते हुए देखा है। राइवलरी के खिलाड़ी यहां से मुश्किलें खड़ी करते हुए टीम टॉक्सिक के प्लेयर्स को लगातार डाउन करते चले जा रहे हैं, उनके प्लेयर्स को दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। प्लेयर ऊपर चढ़ेंगे, डैमेज देने की कोशिश अभी को डाउन कर दिया है और उन्हें फिनिश भी करेंगे स्मोक्स के थ्रू, आखिरी प्लेयर को भी फिनिश करेंगे, एलिमिनेट की जाएगी और टीम सोल निकाल जाएगी आज के दूसरे मैच में।